एक और बड़ी खबर, जोधपुर कोर्ट का सलमान खान को आदेश, हिरण शिकार मामले में सलमान खान की पेशी होगी। कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए हैं सलमान खान को। 28 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। हिरण शिकार मामले में सलमान खान की पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर कोर्ट में सलमान खान को पेश होना होगा, कोर्ट का यह आदेश है। हिरण शिकार मामले में सलमान खान की पेशी होगी। कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर सलमान खान को पेश होने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। 28 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिरण शिकार मामले में सलमान खान की पेशी होनी है और व्यक्तिगत तौर पर सलमान खान को पेश होना होगा। जोधपुर कोर्ट ने यह आदेश दिया है, हिरण शिकार मामले में सलमान खान की पेशी होगी। दिनेश डांगी संवाददाता फोन लाइन पर अनुसार जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया सलमान की पेशी को लेकर? जी देखिए, बहुत चर्चित हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर की जो सीजीएम ग्रामीण अदालत है उसमें सुनवाई शुरू हुई और इस दौरान जो असीमल सारस्वत है सलमान खान के वकील, उन्होंने एक बार फिर हाजिरनामा पेश किया और कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते सलमान खान उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन डीजे ग्रामीण जज ने साफ कहा कि अगली सुनवाई 28 सितंबर को हर हालत में सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। तो अब ये कह सकते हैं कि 28 सितंबर को हर हालत में अब सलमान खान को इस मामले में पेश होना है और इस मामले के अंदर 5 साल की सजा सुनाई गई थी जो हथियार प्रकरण है उसके मामले में, लेकिन लगातार उनके वकील हाजिरी नामा पेश करते थे, वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, लगातार हाजिरी नामा दिया जा रहा था, लेकिन आज जज ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई 28 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से सलमान खान को कोर्ट में पेश होना है। तो जिस पर सहमति जताई उनके वकील ने, तो अब तय है कि 28 सितंबर अगली सुनवाई पर सलमान खान अदालत की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, पेश हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।